उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप सभी अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आए, मैं बहुत खुश हूँ। देश के हर कोने से लोग आए हैं, बहुत आभारी हूँ आप सबकी। और कवि कुंभ का ये तीसरा वार्षिकोत्सव है, हम तीसरे साल में प्रवेश कर गए हैं और लगातार ये हमारा तीसरा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। थोड़ा सा संबोधन कवि कुंभ को लेकर दूंगी कि सृजन एक अमृत जैसी दिशा है। कवि कुंभ की दृष्टि दिशा वर्तमान कवि विश्व में अब दूर दूर तक सुनाई दे रही बहुत जरूरी दस्तक, आवश्यक हस्तक्षेप है, जो अपनी शब्द यात्रा के तीसरे वर्ष में इस समय 29वें पड़ाव पर है और शब्दोत्सव की दृष्टि से आज का तीसरा वार्षिक संगमन है। इससे पहले दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, दूसरा देहरादून के ONGC सभागार में, जिन्हें देश के लख प्रतिष्ठित कवि साहित्यकारों का स्नेह मिला, हम भी चले थे सोच कर मंजिल कोई होगी, लेकिन कहाँ पता था सफर के ये रास्ते ऐसे ही कोई कुछ मुश्किल भरा ये रास्ता रहा। आज 3 साल का जो हमारा सफर रहा, आज कवि का समय का आत्मसंघर्ष एक अकेले कवि कुंभ का नहीं, इस राह की अन्यान्य समस्त साहित्यिक पत्रिकाओं या यूं कहिए कि रचनात्मक पत्रकारिता और उसके सृजन सरोकारों का है। बार बाजार के सिरे से करे या टेक्नोलॉजी के बहाने से आज हम जिस तरह से घिरे हैं, किसी की राह आसान नहीं। चांद और सरस्वती के इतिहास पर जाएं तो ऐसी चुनौतियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, महाप्राण निराला, मुंशी प्रेमचंद की राहों में भी कांटों की तरह बिछी रही हैं। आलोचना की आलोचना न तब कम होती थी, न आज कम हो रही है। वही प्रश्न आज भी हमारे आसपास अर्थ बदलकर मंडरा रहे हैं। साहित्यिक पुरस्कारों की ओट में रिश्ते नातों के छल और कितने रंग, कितने प्रकार के सृजन और बहुत सारे अंबार लगते जा रहे हैं। अब इन सब में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है और सरल सा उत्तर भी है कि शब्दों की हिफाजत के लिए क्या किया जाए। जहाँ तक हो सके हर असंभव पर पार पाने का संवेद प्रयास, जैसा कि हमारे पुरखों ने किया, आने वाली पीढ़ियों के सामने भी साधन और साध्य, सही और गलत की चुनौतियाँ उपस्थित रहेंगी। एक प्रश्न आता है कि कवि कुंभ क्यों, तो फिर वही सरल सा उत्तर है कि जरूरी है जन जन मन के बीच शब्दों का अनवरत प्रवाहमान होना, उनको हरा भरा बनाए रखना। शब्द सूखेंगे तो सब सूख जाएगा। आज का शब्दोत्सव 2019 इसलिए प्रत्येक शब्द एक मुलाकात का दरवाजा होता है जो अक्सर स्थगित हो जाती है, और शब्द तभी सच्चा होता है जब वो हमेशा मुलाकात के लिए आकुल हो। कवि पत्रकार अरुण आदित्य के शब्दों में शुरू से ही कवि कुंभ का बड़ा सीधा साधा सा आह्वान रहा है, गंगा जमुनी शब्द आओ मेरे पास, जो बुलाएं जाओ उनके पास भी। यही कवि कुंभ का प्रथम भाव आचमन है, सभी ने आह्वान भी है। इस सुखद साझा महाभियान में आज यहाँ उपस्थित आप समस्त अतिथि सभी समर्थ रचनाधर्मी, आशा है आप हमारी सभी बातों के लिए विश्वसनीय होंगे, स्वीकार्य होंगे। देश के 26 राज्यों में कवि कुंभ की पहुँच हो रही है, जहाँ जहाँ भी इसने मंच साझा किए दस्तक दी। मसलन दिल्ली उत्तराखंड के अलावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उड़ीसा के राउरकेला, गुजरात के अहमदाबाद, राजस्थान के अलवर, मध्य प्रदेश के भोपाल, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, बिहार, झारखंड, पटना, सिवान, डाल्टनगंज, सभी जगह इस कठिन शब्द यात्रा में मिली आत्मीयता कवि कुंभ की सुखद पाथे ही नहीं, उन सृजनधर्मियों का विनम्र सम्मान रहा है जिनके शब्द कवि कुंभ का संबल बने। आप महानुभावों को आज की उपस्थिति उसी स्नेह और आत्मीयता का एक सुखद प्रतिफल है जो रचनाकर्म से हम सबकी आस्था को और अटूट और प्रगाढ़ कर रहा है। हमारे समय में कविता के मंच और प्रपंच से शायद ही कोई अनजान हो, लेकिन अपवित्र उपाय से प्रवेश करते हुए जरूरी संसाधनों के अभाव के बावजूद लगातार हठपूर्वक यह बात सिद्ध करने की हमारी कोशिश रही है कि कॉरपोरेट जन धन बल के बिना भी हम साहित्यिक पत्रकारिता की मशाल जलाए रख सकते हैं। कवि कुंभ की सदस्यता राशि के प्रति भी हमारा वही हठ है, ताकि हर कोई शब्दों को सिर्फ मुफ्त या उधार का ना समझे। इस आदत को विकसित किया जाना भी बहुत ज़रूरी है, जितना कि साहित्यिक मंचों को हर तरह के कला गला और रूप के प्रपंच से बचाए रखना। संजय चतुर्वेदी जी की एक पंक्ति उद्धृत करते हुए, कवियों ने धोखे की एक कविता में क्या खो, फिर इस राह पर हम कवि कुंभ की मुश्किलों का रोना नहीं होएंगे। बस आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर हमने एक श्रम साध्य कोशिश की है तो हमें आपका संबल मिले जो अब तक मिलता रहा है। देश के हिंदी पट्टी के सामान्य कवि साहित्यकार सभी पाठकों के बीच कवि कुंभ के उत्साहजनक स्वीकार्यता ने इन अर्थों में हमारी राह किंचित कठिन भी कर दी है और आसान भी कर दी है कि दिनों दिन हमसे आपकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, और उसके विस्तार के लिए हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हमारे सीमित संसाधनों में उतनी कोशिश कर रहे हैं। देश के वरिष्ठ हिंदी कवि साहित्यकारों के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमेशा अपने शब्दों से हमें संबल दिया है।
अमेरिका बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमेशा हमारे सहज और बहुत ही प्रेमपूर्ण आह्वान पे वो आ गए हैं, बिना किसी शर्त और बिना किसी आग्रह के, बिना किसी अनावश्यक आग्रह के। आपके शब्द हमारा संबल है और आपका होना कवि कुंभ का सफल होना है। आज के कार्यक्रम में आप सभी हमारे बीच हैं। सबके नाम मैं एक एक करके शायद ना ले सकूँ, लेकिन सभागार में हमारे जितने भी साहित्य मनीषी हैं, हमारे जितने भी महिला मित्र हैं, रचनाकार हैं, हमारे जो भी वरिष्ठ पुरोधा हैं, उन सबका स्वागत है। और इसके साथ ही आज के सत्र की शुरुआत में चाहती हूँ कि हमारे जो परिचर्चा का सत्र है उसे हम जल्द से जल्द शुरू करें। साहित्य में परंपरा का अर्थ और रचना का संघर्ष अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय वस्तु और हमारे पास इसके लिए बहुत ही अच्छे और दिग्गज वक्ता हैं। तो मैं मंच देती हूँ चंद्रमणि जी को कि वो बखंडा इस सत्र का संचालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद।